सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और नए आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है डीएमआर हाइड्रो इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। तो कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन और आईपीओ की ऑफिशियल डेट्स एंड डिटेल्स की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है। तो यहां पर कंपनी की कुछ सर्विसेज के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। यहां पर आप देख सकते हैं डीएमआर इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी एंड ड्यू डिलिजेंस सर्विसेज टू हाइड्रो पावर डैम्स रोड एंड रेलवे टनल्स। यानी कि ये जो कंपनी है मेनली कंसल्टेंसी से रिलेटेड कंपनी है। अब देखिए बात करते हैं फाइनेंशियल की। तो देखिए फाइनेंशियल को यहां पर तीन भागों में डिवाइड किया गया है, टोटल एसेट वैल्यू, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहां पर जो भी वैल्यू आपको दिखेगी वो मिलियंस में दिखेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहां पर एसेट वैल्यू। देखिए 2019 में अगर एसेट वैल्यू देखा जाए तो 23.65 मिलियन के आसपास रही थी, वहीं 2020 में यह बढ़कर 29.74 मिलियन के आसपास होती हुई नजर आई। वहीं 2021 में बात करें तो 33.76 मिलियन के आसपास ये हो गई। वहीं 2021 जून में अगर बात करें तो 33.80 मिलियन के आसपास ये होती हुई नजर आई। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 16.09 मिलियन के आसपास 2019 में रहा था, 2020 में ये 24.48 मिलियन के आसपास हो गया, वहीं 2021 में ये 24.44 मिलियन के आसपास होता हुआ नजर आया, और जून 2021 में बात करें तो 6.91 मिलियन के आसपास ये अभी तक हो चुका है। अब देखिए प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है 2019 में 3.02 मिलियन के आसपास रहा था, वहीं 2020 में 5.15 मिलियन के आसपास है, वहीं 2021 में बात करें तो 6.05 मिलियन के आसपास रहा है, और 2021 जून तक बात करें तो 2.03 मिलियन के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। यानी कि अगर फाइनेंशियल देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, हालांकि कंपनी प्रॉफिट में है और थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्रोथ करती जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अब देखिए बात करते हैं आईपीओ डिटेल की। तो देखिए जो आईपीओ है 24 नवंबर 2021 से ओपन होने जा रहा है अप्लाई करने के लिए, और इसकी लास्ट डेट 29 नवंबर के दिन होने वाली है, यानी कि 24 से 29 तक ये ओपन रहेगा। फिक्स प्राइस इशू है, ₹10 प्रति इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू रखा गया है, और आईपीओ प्राइस की बात करें तो ₹21 प्रति इक्विटी शेयर यहाँ पर प्राइस रखा गया है। लॉट साइज की बात करें तो 6000 शेयर्स एक लॉट में होंगे, और मिनिमम क्वांटिटी की बात करें तो 6000 शेयर्स के यही आप अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी एसएमई में आईपीओ लिस्ट होगा, और इशू साइज की बात करें तो करीब 2.09 करोड़ के आसपास का यह आईपीओ होने वाला है, जिसमें से करीब 1.68 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो फ्रेश इशू के जरिए आएंगे, और बाकी के जो 0.42 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो यहां पर ऑफर फॉर सेल के जरिए लाए जा रहे हैं। तो देखिए ये आईपीओ की डिटेल हो गई। वहीं बात करते हैं लॉट्स की कि आप मिनिमम रिटेल कैटेगरी में आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 6000 शेयर्स रहेंगे और ₹1,26,000 आपको खर्च करने पड़ेंगे। मैक्सिमम भी रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट किया जा सकता है, 6000 शेयर्स उसमें भी होंगे और ₹1,26,000 आप उसके लिए खर्च करना पड़ेगा। तो देखिए ये आईपीओ की पूरी डिटेल्स हो गई, सब कुछ बताया कंपनी क्या करती है, किस फील्ड से रिलेटेड है, आईपीओ कब आ रहा है, क्या प्राइस बैंड है, सब हमने जान लिया। बात आती है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसको इग्नोर करना है। तो देखिए सीधे साफ शब्दों में मैं आपको बता दूं, कंपनी के फाइनेंशियल उतने ज्यादा ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि आप इस कंपनी को इग्नोर करें, इसके आईपीओ को रहने दें, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े आईपीओज आ रहे हैं, ऐसे में आईपीओ में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और जनरली मैं जो रिटेल निवेशक हैं उनको यही बोलता हूं कि आप लोग यहां पर जो एसएमई आईपीओ आते हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर किया करें, क्योंकि देखिए
यहाँ ये नई कंपनीज़ होती हैं, नई कंपनीज़ का भरोसा नहीं होता है, उन रिटेल निवेशकों को यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए जिनका कैपिटल बहुत बड़ा है, जैसे जो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं और उनके लिए 1-1.5 लाख रुपए कोई मैटर नहीं करता। अगर वो वहाँ पर लगाते हैं और कंपनी अच्छा खासा ग्रो करती है तो उनको प्रॉफिट भी उसी अनुपात में होता है, और अगर कंपनी ग्रो नहीं करती है, शेयर प्राइस गिरता है, तो उनको लॉस भी उसी अनुपात में होता है। तो जो बड़े निवेशक होते हैं उनके लिए मुझे लगता है ये आईपीओ है, जो हमारे छोटे निवेशक हैं, जो हमारे ऐसे निवेशक हैं जो अभी करंटली मार्केट में आए हैं जिनका कैपिटल कम है, तो मुझे लगता है कि उनको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। या फिर जनरली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाता हूँ कि कम से कम आपको पता चल सके कि किस तरीके से एसएमई आईपीओ आता है और कौन कौन सी कंपनी से जो लिस्ट होने जा रही हैं। हो सकता है कल के दिन ये लार्ज कैंप कंपनी बन जाए, मिड कैंप कंपनी बन जाए और फिर आप इसमें इन्वेस्ट करें, तो निश्चित रूप से पता ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इसमें इन्वेस्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि देखिए उतनी बढ़िया मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है ये आईपीओ। और जो बड़े निवेशक हैं वो भी मुझे लगता है कि इसमें निवेश ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कंपनी ठीक नहीं लगती मुझे, मतलब जिस तरीके के इसके वैल्यूएशन है, जिस तरीके से इसके फाइनेंशियल है, मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी बहुत जल्दी ग्रो करेगी। हाँ, ग्रो करेगी निश्चित रूप से, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मैं यही बोलूँगा कि आपको इस आईपीओ को इग्नोर करना चाहिए। बहुत सारे अच्छे आईपीओज आएंगे, वहाँ पर अप्लाई करके आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। तो ये आईपीओ के बारे में मेरी राय है। अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एक बार ज़रूर पूछें, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी रिसर्च और अपनी एनालिसिस के अनुसार आपको सजेस्ट करता हूँ, और अगर आपको प्रॉफिट लॉस होता है तो उसके जिम्मेवार आप खुद ही होंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।